नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अलवेज विनर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस राजस्थान रॉयल के बीच जो T20 मैच खेले जाने वाला है, इस मैच की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आपको इस मैच में इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा की तरह 2-3 मेंबर्स में करना चाहिए। इजी रहेगा, आपको जीतने के चांसेस तकरीबन 70% है 2-3 मेंबर्स में, लेकिन 4 मेंबर्स में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, थोड़ा बहुत मैच रिस्की होगा। अब दोस्तों, अगर बात करेंगे ये मैच रिस्की होगा या सेफ होगा, तो बता दूँ मैच रिस्की होगा दो फैक्टर की वजह से। पहला पॉइंट तो दोस्तों ये है कि इस मैच में आपको क्रेडिट मैनेज करना पड़ेगा, और आपके पास अगर आप बेहतरीन टीम बनाना चाहते हो रिस्क लेकर भी, तब भी आपके पास जो लास्ट में क्रेडिट बचेगा 8 क्रेडिट बचेगा। ऐसे में आपको यहाँ पे कुलदीप सेन को लेना है या फिर ऋषि धवन को लेना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोनों में फैसला करना। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्लेयर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जो प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लेकिन फिर भी उन्हें ड्रॉप करना पड़ेगा। सिमरन हेटमैन को ड्रॉप करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे रविचंद्रन अश्विन को, ट्रेंट बोल्ट को, और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे राहुल चहर को भी ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास प्लेयर भी सिलेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं और साथ ही साथ क्रेडिट का भी इशू है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो हमेशा की तरह हम 10 प्लेयर सेफ लेंगे, लेकिन एक प्लेयर पे हमें रिस्क लेना होगा जो हमें क्लीन स्वीप करा सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम टीम बनाने वाले स्मॉल लीग की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही साथ बात करेंगे तो टेलीग्राम चैनल की लिंक कॉमेंट में पिन भी की हुई, तो आप कॉमेंट सेक्शन चेक करोगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करोगे सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे 10,000 रुपये और 10,000 रुपये, टोटल 20,000 रुपये का फ्री गिफ्ट रखा है, तो आप इजिली पार्टिसिपेट करके विन कर सकते हैं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे टीम बनाने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों वेन्यू की बात करेंगे, वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई का, और यहाँ पे बता दूँ एक ही मैच खेला गया जो 3:30 बजे खेला गया, तो उसी मैच की हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। देखिए दोस्तों, 3:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, आपको 3 बजे ऑनलाइन रहना होगा। 3:15 पे मैं आपको मेगा लीग की 6 टीम्स प्रोवाइड करूंगा, और साथ ही साथ 3:10 में मैं आपको स्मॉल लीग की 2-3 मेंबर्स वाली टीम प्रोवाइड कर दूंगा। एवरेज स्कोर की बात करेंगे 167 का बताया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन हम लास्ट के मैच की बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो मैचेस खेले गए, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, सभी जो मैचेस खेले गए वो 7:30 बजे खेले गए, लेकिन ये जो मैच खेला जाएगा वो यहाँ पे खेला जाएगा 3:30 बजे। और इसी पिच पे 3:30 बजे भी एक मैच खेला गया था लखनऊ वर्सेस DC की, तो बात करेंगे अगर इस सेम पिच पे मैच खेला जाएगा और यहाँ पे डे में मैच अगर खेला जाएगा, तो आपको बता दूं कि ड्यू का कोई फैक्टर होता ही नहीं है, और डे में हमेशा आपने देखा होगा कि एक अच्छा स्कोरिंग मैच बनता है। अब मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि यहाँ पे 190+ का स्कोर बनेगा, लेकिन मुझे जरूर लगता है कि यहाँ पे 170+ का स्कोर बन सकता है, और यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम में एक ही मैच खेला गया था जो डे में खेला गया था। तो देखिए दोस्तों, अगर इसी पिच पे मैच खेला जाता है तो मुझे लगता है कि, देखिए मैं यह भी चाहता हूं आपको कि अगर यहां पे ग्राउंड है तो ग्राउंड पे कम से कम 2-3 पिचेस होती हैं। अब कोई पिच ऐसी होती है जहां पे बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है, किसी पिच पे बॉलर्स को सपोर्ट मिलता है, या किसी पिच पे बैट्समैन प्लस बॉलर दोनों ही चलते हैं। तो ये जो पिच थी दोस्तों, इस पिच पे पूरी तरह से बैट्समैन को सपोर्ट मिला था फर्स्ट इनिंग में देखिए 190+ का स्कोर बना था, लेकिन विकेट की अगर बात करेंगे तो सिर्फ 3 विकेट गए थे। वही सेकंड इनिंग की अगर बात करेंगे तो 189 तकरीबन यहाँ पे जो स्कोर है वो चेज किया गया था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 189, और यहाँ पे देखा जाए तो पूरे 7 विकेट गए, मतलब सेकंड इनिंग में यहाँ पे जो विकेट गए, जो भी टीम पहले टॉस जीतेंगी मेरे हिसाब से बॉलिंग करने का डिसीजन ले सकते हैं, ताकि सेकंड इनिंग में टारगेट जो है वो चेज किया जाए। तो अगर इस पिच की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक मन में रख सकते हैं कि यहाँ पे हाई स्कोर बनेगा, और अगर हाई स्कोर बनेगा तो फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 विकेट जाएंगे और आपको 170+ का स्कोर देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे बैटिंग, फर्स्ट टीम ने 6 मैच जीते, बैटिंग सेकंड टीम ने 6 मैचेस जीते हैं, टोटल जो है ये यहाँ पे 12 मैचेस खेले गए। तो मैं आपको बता दूँ ये सभी जो मैचेस है यहाँ पे 11 मैचेस तो वो है दोस्तों जो यहाँ पे जो डे में नहीं इवनिंग में खेले गए थे, मतलब शाम को 7:30 बजे खेले गए थे। अब हम बात करेंगे जो मैच खेला गया था रिसेंटली, उस मैच में क्या हुआ था। देखिए जो यहाँ पे डे में मैच खेला गया था, जो 3:30 बजे खेला गया था, उस मैच में पेसर्स को मिले थे 8 विकेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेसर को मिले थे 8 विकेट और स्पिनर को सिर्फ मिले थे 2 विकेट। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इस पिच पे शायद वो इवनिंग वाला मैच हो या फिर डे वाला मैच हो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जो मिलता है वो पेसर को मिलता है, पेसर ज़्यादा विकेट निकलते हैं लेकिन स्पिनर को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ऐसे में आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों ही टीमों में पेसर्स कितने, स्पिनर कितने। पॉइंट्स टेबल की बात करेंगे, किंग्स इलेवन पंजाब की 10 में से 5 मैच जीते, 5 मैचेस हारे हैं। राजस्थान रॉयल की बात करेंगे, 10 में से 6 मैच जीते, 4 मैचेस हारे हैं। दोस्तों ओवरऑल मैचेस की बात करेंगे, 95 मैचेस में से बैटिंग फर्स्ट टीम ने 46 मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकंड टीम ने 49 मैचेस यहाँ पे विन किए हैं। और बात करेंगे यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर की, तो 200 का भी स्कोर बन सकता है अगर यहाँ पे बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है, तो फर्स्ट इनिंग में 200 का स्कोर बन सकता है। और साथ ही साथ अगर किसी टीम का बैटिंग रहना फ्लॉप होता है तो फिर वो जो है वो 200 तो छोड़िए, यहाँ पे 130 रन पे भी ऑल आउट हो सकते हैं।
अब बात अगर करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो स्कोर बनता है, आप देख सकते हैं 170 प्लस के ऊपर ही स्कोर बनता है। लास्ट के मैच की अगर बात करेंगे जो 3:30 बजे खेला गया था, वहां पे भी 190 प्लस का आपको स्कोर देखने को मिला था 3 विकेट के नुकसान पे फर्स्ट इनिंग में। बात करेंगे टीम न्यूज़ की, तो मुझे नहीं लगता किंग्स इलेवन पंजाब कोई भी चेंजेस करने वाली है। अगर कोई चेंजेस करती है तो हमें टॉस के बाद फुल एंड फाइनल पता चलेगा। लेकिन राजस्थान रॉयल की बात करेंगे तो यशस्वी जायसवाल शायद मेरे हिसाब से इस मैच में प्ले कर सकते करुण नायर की जगह पे। अगर खेलेंगे तो हमें 100% जो है पता चलेगा टॉस के बाद। अदरवाइज यहाँ पे जो न्यूज़ है वो 100% भी कन्फर्म नहीं है। उसके बाद दोस्तों बैट्समैन वर्सेस बॉलर की बात करेंगे तो आपने मैंने आपको ऊपर में बताया है जसमीत गाइस, ओके मैंने यहाँ पे आपको ऊपर में बताया कि यहाँ पे जो सपोर्ट मिलता है पेसर्स को 99 विकेट पेसर्स ने निकाले हैं लास्ट के मैचेस में, और यहाँ पे देखा जाए 37 विकेट मिले यहाँ पे स्पिनर को। तो हम देखेंगे कि टीम में पेसर्स कौन है स्पिनर कौन है। सबसे पहले किंग्स इलेवन पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ पे अर्षदीप सिंह जो पेसर है, संदीप शर्मा पेसर है, उसके बाद देखेंगे कगिस रबाड़ा ये पेसर है। नीचे में बात करेंगे तो मेरे हिसाब से ऋषि धवन पेसर है ऊपर में, और यहाँ पे देखेंगे लिविंगस्टोन की बात करेंगे स्पिनर है। अब चार इनके पास पेसर है, स्पिनर की बात करेंगे राहुल चहर मेन स्पिनर है, उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे लिविंगस्टोन स्पिनर है। अब दोस्तों बात अगर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जसमीत गाइस, ओके यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि लिविंगस्टोन ने लास्ट मैच में बॉलिंग की थी, एक विकेट निकाला था, लेकिन उससे पहले बॉलिंग नहीं की थी। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि लिविंगस्टोन बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि इनके पास बॉलिंग लाइनअप कैसी है, कितने बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, 4, ये इनके चार मेन ऑप्शन अवेलेबल है। जो चार चार ओवर कंप्लीट करेंगे वो 16 ओवर कंप्लीट करेंगे। अब बचेंगे चार ओवर कौन कंप्लीट करेगा, तो मेरे हिसाब से ऋषि धवन 2 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ पे लिविंगस्टोन 2 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब इनके 20 ओवर इस तरह से कंप्लीट हो सकते हैं। उसके बाद नीचे में बात करेंगे राजस्थान रॉयल की, तो इनके पास जो पेसर है, सबसे पहले पेसर की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कुलदीप सेन है, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा है, यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट है। ये जो देखा जाए दोस्तों ये इनके पास तीन पेसर है। स्पिनर की बात करेंगे यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन को थोड़ा मार्क नहीं किया कलर से, लेकिन बता दूं कि ये भी चार ओवर कंप्लीट करेंगे। युजवेंद्र चहल रविचंद्रन अश्विन ये जो हो गए ये चार चार कंप्लीट करेंगे। ओवरऑल अगर दोस्तों देखा जाए तो ये जो चार पांच बॉलर हो गए रविचंद्रन अश्विन ट्रेंट बोल्ट युजवेंद्र चहल प्रसिद्ध कृष्णा कुलदीप सेन ये पांच बॉलर जो हो गए वो चार चार कंप्लीट करेंगे और इस तरह से इनके जो है 20 ओवर कंप्लीट हो जाएंगे। रियान पराग की बात करेंगे तो शायद इनसे बॉलिंग कराई जाएगी, अगर इनमें से कोई फ्लॉप होता है या फिर ज़्यादा रन दे देता है तो फिर रियान पराग शायद मेरे हिसाब से एक आध ओवर कंप्लीट कर सकते हैं। स्कोर कार्ड की बात करेंगे तो हमें ये देखना होगा। शिखर धवन की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि बैट्समैन को अगर सपोर्ट मिलेगा और लास्ट के मैच में देखा जाए 3 ही विकेट गए थे। मैं आपको फिर से एक बार दिखाई देता हूँ, देखिए आपको ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी पिच पे अगर मैच खेला जाएगा, और अगर आपको पिच रिपोर्ट में पता चलता है कि सेम पिच पे मैच खेला जाएगा जो कि लखनऊ वर्सेज डीसी का मैच हुआ था, तो देखिए यहाँ पे बैट्समैन को सपोर्ट मिला है फर्स्ट इनिंग में। अब मान लीजिए कि 190 पे 3 विकेट गए, लेकिन हम आज मान लेते कि इस पिच पे 180 पे 5 विकेट भी जाएंगे, तो ऐसे में भी बैट्समैन को ही सपोर्ट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो बैटिंग लाइनअप है वो किस तरह से काम कर सकता है। शिखर धवन ये इनके ओपनिंग बैट्समैन है। उसके बाद देखा जाए दोस्तों लास्ट मैच जॉनी बेस्टो ने ओपन किया था, लेकिन इस मैच में मयंक अग्रवाल ओपन करेंगे या फिर जॉनी बेस्टो ओपन करेंगे ये कन्फर्म नहीं है। ये हमें टॉस के बाद जब प्लेइंग इलेवन आएगा तभी पता चलेगा, उससे पहले हमें पता नहीं चल सकता है। लेकिन लास्ट मैच में मयंक अग्रवाल की अगर बात करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आए थे, 5th नंबर पर आए थे, तो मैंने यहाँ पर इनको 5th नंबर पर बैटिंग के लिए रखा है। अदरवाइज ये ओपन भी कर सकते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिखर धवन है, जॉनी बेस्टो, भानुका राजपक्षा, लिविंगस्टोन और यहाँ पे मयंक अग्रवाल, ये इनके पांच इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। उसके बाद दोस्तों बात अगर करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे में जितेश शर्मा, ऋषि धवन, ये दोनों इनके मिडल ऑर्डर के बैट्समैन है, और लास्ट के तीनों ही मैचेस में यहाँ पे देखा जाए तो जितेश शर्मा की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे तो दोनों ही मैचेस में इनको बैटिंग नहीं मिली, यहाँ पे 2 रन मरे। तो इनका मिडल ऑर्डर की अगर बैट्समैन की बात करेंगे तो जितेश शर्मा एक तरह से फ्लॉप हुए, लेकिन उससे पहले इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। ऋषि धवन की बात करेंगे तो ये मिडल ऑर्डर में आके कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कगिस रबाड़ा, राहुल चहल, संदीप शर्मा, अर्षदीप सिंह, ये इनके चार इंपॉर्टेंट बॉलर्स होंगे जो विकेट निकालेंगे। राजस्थान रॉयल की बात करेंगे तो इनका बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं जॉर्ज बटलर है। पारीकल की बात करेंगे 54 रन की पारी के लिए लास्ट के तीनों मैचेस में फ्लॉप जरूर हुए, लेकिन इस मैच में चलने के चांसेस है क्योंकि इनका वेन्यू रिकॉर्ड ठीक ठाक है। और उसके बाद बात करेंगे संजू सैमसंग अच्छे फॉर्म में, करुण नायर की बात करेंगे खेलेंगे तो ठीक है, अदरवाइज इनके जगह पे यशस्वी जायसवाल खेल सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी मेगा लीग में। उसके बाद बात करेंगे हेटमायर, तो इनके पांच इंपॉर्टेंट बैट्समैन हैं और मेरे हिसाब से ये स्कोर करेंगे। बात करेंगे रियान पराग और यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन, तो मुझे लगता है कि रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन ये इनका जो राजस्थान रॉयल का जो मिडल ऑर्डर का जो बैटिंग लाइनअप वो थोड़ा बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि रियान पराग भी स्कोर कर सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन की बात करेंगे अगर ये चल गए तो 28 रन की पारी खेल सकते हैं, 21 रन की भी पारी खेल सकते हैं और शायद यहाँ पे 20 रन के अंदर भी आउट हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे भी लगता है कि यहाँ पे
इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बात अगर करेंगे यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन की, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा कुलदीप सेन, ये इनके चार इंपॉर्टेंट बॉलर होने वाले हैं। अब दोस्तों प्लेयर सिलेक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐप ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं सिलेक्शन किसका कितना है। जॉस बटलर का सिलेक्शन देखेंगे 90%, उसके बाद संजू सैमसन 81%, जॉनी बेस्टो 28% और जितेश शर्मा 15%। ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस प्लेयर पर ट्रस्ट दिखा रहे, किस प्लेयर को अपनी टीम में लेने वाले हैं। संजू सैमसन जॉस बटलर दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए, दोनों में से किसी को ही ड्रॉप करने के लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा। हालांकि जॉनी बेस्ट्रो की बात करेंगे, जितेश शर्मा की बात करेंगे, इनको इसलिए ड्रॉप करें क्योंकि बैटिंग सेक्शन में हमारे पास और अच्छे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। कौन किस नंबर पर आता है बैटिंग करने के लिए ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। जॉस बटलर ओपन करेंगे संजू सैमसन थर्ड नंबर पर, जॉनी बेस्ट्रो ओपन करेंगे, जितेश शर्मा की बात करेंगे सिक्स नंबर पर। हालांकि जॉनी बेस्ट्रो ओपन करते और यहाँ पे 32 रन की पारी खेली, लेकिन पूरे के पूरे IPL में 32 रन के ऊपर इन्होंने कोई पारी नहीं खेली, पूरी तरह से फ्लॉप होते हुए आ रहे। जितेश शर्मा स्मॉल लीग के लिए मेरे हिसाब से अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे, दोनों ही स्मॉल लीग के लिए अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे। तो ऊपर में जो विकेटकीपर बैट्समैन है जॉस बटलर, संजू सैमसन, ये दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बैटिंग सेक्शन की बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन किस नंबर पे आता है। शिखर धवन ओपन करेंगे, भानुका राष्ट्रपक्षा थर्ड नंबर पे, सेंटन की बात करेंगे फिफ्थ नंबर पे, पैडी कल ओपन करेंगे, उसके बाद मयंक अग्रवाल फिफ्थ नंबर पे आएंगे, करुण नायर फोर्थ नंबर पे आएंगे। तो अभी हमें चूज़ करना होगा दोस्तों किस बैट्समैन को हमें टीम में लेना चाहिए। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट बैट्समैन होंगे शिखर धवन है, उसके बाद भानुका राजपक्ष है, उसके बाद दीप पेडिकल है। ये तीनों का सिलेक्शन अगर देखेंगे, अब ऐसे आपको सिलेक्ट नहीं करना है कि इनका सिलेक्शन जो है तीनों का सिलेक्शन हाई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पिक किया, ये रीज़न नहीं होता है। रीज़न हमें कुछ अलग ही चूज़ करना है। देखिए मैंने शिखर धवन को लिया है, भानुका राजपक्षा को लिया और यहाँ पे पाडिकल को लिया। हम इन तीनों के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर देते हैं। शिखर धवन की बात करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी, अच्छा प्रदर्शन रहा है सभी मैचेस में, यहाँ पे 70, 88, 62, मतलब इन्होंने तीन बार जो है वो 60 रन के ऊपर पारियाँ खेली है। भानुका राजपक्षा की बात करेंगे, यहाँ पे 43, 42 एंड 40 रन, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगी, स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पाडिकल की बात करेंगे, मैंने पाडिकल को लिया है, तीनों ही मैचेस में पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे एक रिस्क लिया क्योंकि रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है। अगर पाडिकल की बात करेंगे 41 रन की पारी खेल चुके, उसके बाद 54 रन की बड़ी पारियां दो खेल चुके हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने मयंक अग्रवाल को पिक किया। हालांकि मयंक अग्रवाल ओपन करेंगे या फिर जॉनी बेस्ट्रो ओपन करेंगे ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मयंक अग्रवाल अगर ओपन भी करेंगे तो देखिए यहाँ पे इन्होंने 52 रन की पारी खेल चुके हैं, 32 और यहाँ पे 24, 25 रन की पारी खेल चुके। लास्ट में जिनको बैटिंग नहीं मिली, अदरवाइज आपको यहाँ पे 25 प्लस की पारी देखने को मिल सकती थी। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे जो एक रिस्क लिया है शेमरन हेटमायर को ड्रॉप करके मयंक अग्रवाल को टीम में ट्राई किया है। अब यहाँ पे एक आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देवदूत पाडिकल को ड्रॉप करके हेटमायर को भी पिक कर सकते हैं। अब क्या रीज़न है ये बता देता हूँ आपको। पाडिकल की अगर बात करेंगे लास्ट के तीनों ही मैचेस में फ्लॉप हुए हैं और लेकिन उससे पहले 54 रन की पारी खेली, लेकिन हेटमायर की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इनका भी प्रदर्शन उतना ही है। लास्ट मैच में 27 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन यहाँ पे भी फ्लॉप, यहाँ पे भी दोनों ही मैचेस में फ्लॉप हुए। उससे पहले अगर बात करेंगे तो उससे पहले शेमरन हेटमायर ने सभी मैचेस में 25 प्लस पारी खेली थी। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 मैचेस में पारी खेलने के बाद 2 मैचेस में फ्लॉप, उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे 3 मैचेस में फ्लॉप हुए दोस्तों और यहाँ पे 27। तो आपको अगर लगता होगा कि देवदूत पाडिकल से अच्छा शेमरन हेटमायर जो फिफ्थ नंबर पे आएंगे और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर फिफ्थ नंबर पे आएंगे और बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा तो शेमरन हेटमायर मेरे हिसाब से 15 ओवर की आप बात आ सकते हैं। 15 ओवर में कम से कम 4 विकेट जाएंगे, ठीक है। ऐसे में शेमरन हेटमायर आएंगे तो उनके पास खेलने के लिए 5 ओवर मिलेंगे और जो भी डेथ के ओवर होते हैं उसमें बैट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हेटमायर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बना के दे सकते हैं। लेकिन मैंने रिस्क लिया दोस्तों यहाँ पे पाडिकल पे हेटमायर की जगह पे, आप सेफ जाना चाहते हैं तो हेटमायर को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। करुण नायर मेरे हिसाब से उतने अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से लिविंगस्टोन को मैंने टीम में ट्राई किया। यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन को ड्रॉप क्यों किया ये मैं आपको बॉलिंग सेक्शन में बताऊंगा, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन को ड्रॉप करने का मतलब ये है दोस्तों, ये स्पिनर है इसलिए स्पिनर को सपोर्ट नहीं मिला, ये भी अलग बात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन फॉर्म में अच्छे हैं। अब कौन किस नंबर बैटिंग करने के लिए आता है ये भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन की, तो लिविंगस्टोन फोर्थ नंबर पे, रविचंद्रन अश्विन सेवंथ नंबर पे, ऋषि धवन की बात करेंगे सेवंथ नंबर पे, रियान पराग सिक्स नंबर पे। रविचंद्रन अश्विन बैटिंग प्लस बॉलिंग से तभी पॉइंट देंगे, बैटिंग से पॉइंट तभी देंगे, इनको बैटिंग करने का मौका मिलेगा, बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता सेवंथ नंबर वाले बैट्समैन को बैटिंग करने का उतना मौका मिलेगा, या फिर शायद एक से लेकर दो मिल जाते हैं। और डेथ में अगर रविचंद्रन अश्विन बैटिंग करेंगे तो जो बॉलर होंगे जो डेथ में बॉलिंग करेंगे वो इनको इजिली भी आउट कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
लिविंगस्टोन की अगर बात करेंगे फोर्थ नंबर बैटिंग करने के लिए आएंगे और बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं। हालांकि लिविंगस्टोन की एक बात बता दूं, लास्ट मैच एक विकेट निकाला था, बॉलिंग जरूर की थी, लेकिन उससे पहले देखेंगे यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, पाँचों ही मैचेस में इन्होंने बॉलिंग नहीं की लेकिन लास्ट मैच बॉलिंग की थी, तो इस मैच में भी बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बात करेंगे ऋषि धवन की, तो ऋषि धवन को पिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैं आपको आगे में बताने वाला हूँ। और रियान पराग की बात करेंगे, शायद मेरे हिसाब से उतने अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे यहाँ पे, तो एक तरह से देखा जाए दोस्तों मैंने फिलहाल के लिए तो लिविंगस्टोन को पिक किया, रविचंद्र अश्विन को क्यों ड्रॉप किया है रीजन मैं आपको बॉलिंग सेक्शन में बताने वाला हूँ। चलो बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। कगिसुरा बड़ा इंपॉर्टेंट हो गए, युजवेंद्र चहल और मेरे हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा इंपॉर्टेंट हो गए, ये तीन प्लेयर इंपॉर्टेंट हो गए, इन तीन प्लेयर को हमने लिया है। लेकिन अब हमारे पास जो क्रेडिट बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 8 क्रेडिट बचा है, ऐसे में अगर आप क्रेडिट मैनेज करना चाहते हो तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो संदीप शर्मा है और दूसरा बात करेंगे कुलदीप सेन है। हम यहाँ पे इन दोनों का रिकॉर्ड देख लेते हैं, सबसे पहले किसको हमें लेना चाहिए, कगिसुरा बड़ा दोनों मैचेस में 4-4 विकेट इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे युजवेंद्र चहल प्रसिद्ध कृष्णा दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा कंटिन्यू विकेट टिका रहे, हालांकि बात करेंगे युजवेंद्र चहल की तो यहाँ पे 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट तीनों मैचेस में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन उससे पहले 1 विकेट 5 विकेट 1 विकेट 4 विकेट निकाल चुके, तो हम यहाँ पे युजवेंद्र चहल को ड्रॉप नहीं कर सकते। अब मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे संदीप शर्मा को लेना चाहिए जिनका क्रेडिट 8 है, या फिर कुलदीप सेन को लेना चाहिए। तो संदीप शर्मा से अच्छा अगर बात करेंगे तो कुलदीप सेन का यहाँ पे प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा है, 4 विकेट निकाल चुके, तो मैं यहां पे जाने वाला हूं कुलदीप सेन के साथ। अब बात करेंगे दोस्तों यहां पे कि रविचंद्रन अश्विन को किस तरह से हमें लेना चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप करोगे, प्रसिद्ध कृष्णा का सिलेक्शन देखिए 44% है, ठीक है, अगर आप इनको ड्रॉप करोगे तो आप यहाँ पे जो है वो रविचंद्रन अश्विन को ले सकते हैं। चलो हम कंपैरिजन कर लेते रविचंद्रन अश्विन प्रसिद्ध कृष्णा, प्रसिद्ध कृष्णा की बात करेंगे 1 2 3 4 5 कंटिन्यू पाँचों ही मैचेस में इन्होंने विकेट निकाली है, 3 विकेट 2 विकेट यहाँ पे निकाली है। अब बात करेंगे रविचंद्रन अश्विन की, तो आप देख सकते रविचंद्रन अश्विन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे विकेट नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे 1 3 2 1 विकेट निकाल चुके और ये 7th पे बैटिंग करके लाएंगे, तो बैटिंग प्लस बॉलिंग से भी आपको पॉइंट दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो प्रसिद्ध कृष्णा को भी विकेट मिल सकता है, हालांकि लास्ट के दोनों मैचेस में 1-1 विकेट मिला, इस मैच में भी 2 विकेट मिल सकता है, तो कन्फ्यूजन आपको जरूर होने वाला है कि रविचंद्रन अश्विन को पिक करें या फिर यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा को पिक करें। अगर बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा तो मेरे हिसाब से आपको प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की बात करेंगे तो यहाँ पे ये किस नंबर बॉलिंग करने के लिए आते हैं ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे संदीप शर्मा वर्सेस कगिसुरा, संदीप शर्मा कगिसुरा बड़े जो ओपनिंग बॉलिंग करेंगे किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से, राहुल चहल हर्षदीप सिंह या कगिसुरा बड़े जितने बॉलिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे इसलिए ट्राई किया है, यहाँ पे राजस्थान रॉयल के जो बॉलर है यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट प्रसिद्ध कृष्णा ओपनिंग बॉलिंग करेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं इसलिए डेथ में भी इनको विकेट मिल सकता है, ट्रेंट बोल्ट कुलदीप सिंह यह विकेट निकाल सकते हैं डेथ में, इसलिए मैंने प्रसिद्ध कृष्णा को ट्राई किया है और यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन को ड्रॉप किया है दोस्तों। अदरवाइज कुलदीप सेन के जगह पे आप चाहे तो यहाँ पे ऋषि धवन को पिक कर सकते हैं, लेकिन ऋषि धवन का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो मैं आपको टीम का प्रीव्यू दिखा देता हूँ, ये मेरी टीम का प्रीव्यू होने वाला है, लेकिन इसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर बात करेंगे तो ये 10 प्लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्लेयर पर रिस्क लेना होगा, एक प्लेयर पर रिस्क हमने लिया है जो कि यहाँ पे शिमरन हेटमर की जगह पर हमने देवदत्त पाडिकल को लिया है, साथ ही साथ यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन की जगह पे हमने प्रसिद्ध कृष्णा को ट्राई किया है, तो दो रिस्क हमने लिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि आपको मेगा लीग का वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अगर बात करेंगे तो मेगा लीग के हम यहाँ पे 7 प्लेयर देखने वाले, उसके बाद देखेंगे मेगा लीग के 6 प्लेयर से लेकर 7 प्लेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो मेगा लीग में जो होता है दोस्तों यहाँ पे प्लेयर बैटल वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और 6 मेगा लीग की टीम सब यहाँ पे बनाने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे स्मॉल लीग के लिए तो जॉर्ज बटलर, लिविंगस्टोन, संजू सैमसन, कगिसुरा बड़ा और यहाँ पे मेरे हिसाब से संजू सैमसन मैंने फिर से लिख लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। अब दोस्तों हम अपने कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर लेते हैं, देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे 2 रिस्क लिए हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाडिकल को लिया हेटमार की जगह पे, यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन को ड्रॉप करके यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा को लिया है, वो थोड़ा बहुत क्रेडिट मैनेज करना है तो यहाँ पे कुलदीप सेन को हम ड्रॉप नहीं कर सकते, अच्छे ऑप्शन होंगे। अब यहाँ पे हम कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर देते, सबसे पहले तो मैं जॉर्ज बटलर को कैप्टन बनाऊंगा और वाइस कैप्टन की बात करेंगे लिविंगस्टोन को वाइस कैप्टन बनाऊंगा, और ये मेरी टीम का प्रीव्यू होगा। वाइस कैप्टन लिविंगस्टोन को बनाने का मतलब क्या बनता है, फोर्थ नंबर पे आएंगे, बैटिंग से पॉइंट देंगे, अगर ये 2 ओवर कंप्लीट करेंगे लग बाय चांस इनको 1 विकेट मिल गया तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं एज अ वाइस कैप्टन। अदरवाइज हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये है शिखर धवन, संजू सैमसन, ये भी वाइस कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं। सभी कुछ दोस्तों पिच रिपोर्ट पर ही डिपेंड करेगा कि पिच बैट्समैन को सपोर्ट करते हैं या फिर बॉलर्स को सपोर्ट करेंगे, उसी तरह से आपको टीम बनाना चाहिए। अदरवाइज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि इन तीनों में से किसी को आपको ड्रॉप करना चाहिए, अगर भानुका राजपक्ष को ड्रॉप करना चाहते हैं फिर मयंक अग्रवाल को ड्रॉप करना चाहते हैं तो इस आप ऑलराउंडर सेक्शन में रविचंद्रन अश्विन को पिक कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये भी टीम होने वाली, लेकिन डेमो टीम होगी,
फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में दिया है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए चेक कीजिए और लिंक पे क्लिक करके सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। 20,000 रुपये का फ्री गेम आपके रखा है, तो आप फ्री गेम में इजीली पार्टिसिपेट करके विन कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ जो बेल का आइकन उस पर क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।